ऑक्सीजन सप्लाई जो बाधित हुई, जो हम लोगों की जानकारी में आया है 11:30 से 1:30 बजे तक, और 7:30 बजे से उसका प्रेशर कम हुआ तो गैस सिलेंडर से वो सप्लाई की गई जो अब तक चल रही है। ये बाधित क्यों हुई, इसमें जो जानकारी आई है, जो डीलर हैं उनका कोई भुगतान बाकी था, जिसके लिए उन्होंने 1 तारीख को प्रधानाचार्य को कोई पत्र लिखा था, 1 अगस्त को। उस पत्र को उन्होंने अग्रसारित किया शासन में, डीजी ऑफिस में, वहां से 5 तारीख को भुगतान बीआरडी कॉलेज के लिए भेज दिया गया। प्रधानाचार्य का कहना है वो 7 तारीख को उनके खाते में आया, लेकिन वो भुगतान, डीलर का कहना है कि उसको 11 तारीख को मिला। इस भुगतान में ये देरी क्यों हुई, 5, 7 और 11, और उसके बाद भी ऑक्सीजन जीवन रक्षक रसायन है, उसकी आपूर्ति क्यों रोकी डीलर ने, इस सब प्रकरण के लिए हम मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच करा रहे हैं, जिसकी अति शीघ्र रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी और तदनुसार उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और तब तक के लिए इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के लिए हम बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हैं।